फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिफाली और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही ज़रूरी और एक बहुत ही छोटी सी सीक्रेट ट्रिक, जिससे कि आप अपने बॉडी के डार्क पार्ट्स को लाइटन कर सकते हैं, वो भी रातों रात। इनफैक्ट आप एक गो में ही बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखेंगे। डार्क बॉडी पार्ट्स का मेरा मतलब फेस नहीं है, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ डार्क अंडर आर्म्स के, हमारे डार्क नीज़ के, डार्क एल्बोज़ के, और जो हमारे डार्क कोई भी बॉडी पार्ट हो, हमारे प्राइवेट एरियाज़, अंडर थाइज़, जहाँ भी डार्कनेस होती है, मैं उस बॉडी पार्ट की बात कर रही हूँ। तो हम अगर स्लीवलेस पहनते हैं तो हमें कॉन्फिडेंट फील नहीं होता, या अगर हम शॉर्ट स्कर्ट्स पहन रहे हैं तो हमें कॉन्फिडेंट फील नहीं होता। सो वी ऑलवेज प्रेफर, हम चाहते हैं, हर लड़की चाहती होती है कि हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स हैं या कोई भी डार्क पार्ट्स हैं जो मैंने मेंशन किए, वो लाइटन कैसे करें। तो मैं यही बहुत ही आसानी से इसको लाइटन करने का एक बहुत अच्छा नुस्खा लाई हूँ, जिसके लिए हमें चीज़ें भी कोई बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे घर में सारी चीज़ें ईजिली अवेलेबल हैं, उन्हीं चीज़ों से हम ये सीक्रेट ट्रिक अपनाएंगे। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि हम ये कैसे करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक स्पून और एक बोल, ठीक है। हमने बोल ले लिया, उसके बाद जो हमारी फर्स्ट सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है ये कोकोनट ऑयल। हम सभी जानते हैं कोकोनट ऑयल हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। हम इसे कई तरीके से यूज़ करते हैं, हम कोकोनट ऑयल को खाते भी हैं, ये वाला नहीं बट दूसरा ऑयल, बट कोकोनट ऑयल ऑफ कोर्स। और हम कोकोनट ऑयल को एज अ मेकअप रिमूवर भी यूज़ कर सकते करते हैं, हम काफ़ी चीज़ों में कोकोनट ऑयल का यूज़ करते हैं। ये हमारी डेड स्किन को भी हटाने में बहुत हेल्प करता है, सो इट इज़ वेरी 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 हेल्पफुल। तो हमारा जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है कोकोनट ऑयल। इसका ये मेरा थोड़ा बड़ा बॉटल है क्योंकि मेरे ये यूज़ में आता रहता है, आप इसकी जगह छोटा बॉटल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मैं लूँगी 1 टीस्पून, इतना बहुत होगा। हमारा जो सेकंड इंग्रेडिएंट है वो है, मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ कोलगेट का टूथपेस्ट, वाइट टूथपेस्ट हमें कोई भी चाहिए, हमें जेल फॉर्म टूथपेस्ट नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ यूज कर रही हूँ, आप देख सकते हो इजीली, मैं यहाँ ज्यादा नहीं, 1 टीस्पून ही मैं कोलगेट यूज करूंगी। और जो हमारी थर्ड इंग्रेडिएंट है वो हम यूज करेंगे वाइट सॉल्ट, ये भी हम 1 टीस्पून वाइट सॉल्ट जो हम खाने में यूज करते हैं वो सॉल्ट। तो आप देख सकते हैं ये तीनों चीज़ें, कोलगेट ऑफ कोर्स हम यूज़ करते हैं, रोज़ाना यूज़ करते हैं, 2 दफ़ा यूज़ करते हैं दिन में। कोलगेट है हमारे पास इजीली अवेलेबल होता है, कोकोनट ऑयल भी हमारे पास इजीली अवेलेबल होता है, और सॉल्ट तो ऑफ कोर्स होता ही होता है। तो आप इन्हें अच्छे से ऐड कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए। ऐड करने के बाद आपने इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। आप देख सकते हैं मैं कैसे इन्हें मिक्स कर रही हूँ। अगर तो आपको लगता है कि थोड़ा सा थिक हो रहा है पेस्ट, तो आप इसमें हल्का सा ऑयल और डाल लीजिए। मैं इसमें 1/2 टीस्पून ऑयल और डाल रही हूँ, और अब विल गिव इट अ रियली नाइस मिक्स। अब आप देख सकते हैं ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। मिक्स करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी इसी तरह की होगी, बिकॉज मैं कोलगेट है वो थोड़ा सा बाइंड करके रखता है चीज़ों को, तो ये इसी तरीके का होगा। अब हम जो नेक्स्ट करेंगे वो ये है कि हम इसे मैं इसको आपके अपने हाथ पर अप्लाई कर दिखा रही हूँ, आप इसको अपने डार्क पार्ट पर, बॉडी पार्ट्स पर अप्लाई करिएगा, एंड आई एम श्योर यू विल सी द वंडर्स। तो मैं अपनी रिंग रिमूव कर देती हूँ। फ्रेंड्स अब हम इसे, आप इसको अपने, अब मैं आपको हाथ पर अप्लाई करके दिखा रही हूँ। आप इसे या तो आप ब्रश यूज़ कर सकते हैं एप्लीकेशन के लिए, या फिर अपने हैंड से भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं अपना हैंड यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। तो मैं ये थोड़ा सा मैंने अच्छे से पहले मिक्स कर लिया इसको,
इसका जो फॉर्म है ये आपको थोड़ा थोड़ा उसकी तरह लगेगा, जैसे कि स्क्रब होता है, तो हम इसे वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो आपने इसको अपने हैंड पर एक स्क्रब की तरह अप्लाई कर लिया है। आप देख सकते हैं मैं कैसे इसे अपने हाथ पर अप्लाई कर रही हूँ। अब हमारा अप्लाई हो गया है। अब हम इसको स्क्रब किस तरीके से करेंगे वो हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर हाफ स्लाइस्ड लेमन हम इसके इसको यूज़ करते हुए हाथ को स्क्रब करेंगे इस तरीके से, आप देख सकते हैं। और स्क्रब करते करते साथ साथ हमें थोड़ा थोड़ा इसको स्क्वीज करते रहना है, जिससे कि इसमें से लेमन जूस निकलता रहे। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से इसको स्क्रब कर रही हूँ। आप इसको जेनरसली 10 टू 15 मिनट्स के लिए स्क्रब करिए। एक और बात जो मैं मेंशन करना चाहूँगी, आप इसको सिर्फ जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसको अंडर आर्म्स और जैसे डार्क अंडर आर्म्स हो जाते हैं हमारे उस पर, और हमारे डार्क नीज होते हैं, डार्क एल्बोज होते हैं, हमारी अंडर थाइज होते हैं, प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, जो भी जहाँ पर भी डार्कनेस होती है वहाँ पर इसको अप्लाई करते हैं टू लाइटन इट। उसके अलावा भी हम इसको पैरों पर भी अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर जो हमारे गर्मियों में सन टैन हो जाता है, एक्सपोज होती हैं हमारी बाजुएं, हमारे हाथ, हमारे पैर, तो हम उस पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, जो रिमूव द टैन, उसके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है। तो आप इस तरीके से इसको 10 से 15 मिनट के लिए स्क्रब कर लीजिए। देखिए मैं किस तरीके से, और मैं साथ साथ देखिए मैं इसको स्क्वीज भी करती जा रही हूँ, जिससे कि लेमन का जूस जो है, लेमन जूस वो इस पेस्ट के साथ मिक्स होकर इसको और अच्छे से हमारी स्किन पर इफेक्ट करने में हेल्प करे। आप देख सकते हैं अब मैं इसको 5 मिनट तो शायद हो चुके हैं, मैं 10 मिनट और इसको थोड़ा अच्छे से ऐसे ही रब करूँगी। आप भी इसको 10 मिनट्स रब करिए। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने इसको 15 मिनट्स तक स्क्रब किया है, उसके बाद मैंने अपना हैंड वॉश कर लिया है। आप मेरे दोनों हैंड्स में डिफरेंस देख सकते हैं, इस हाथ पर मैंने स्क्रब किया था, इस पर नहीं, आप क्लियरली देख सकते हैं डिफरेंस। और ये अगर आप इसका ज़्यादा अच्छा इफेक्ट चाहते हैं तो आप इसको रात को कर लीजिए अंडर आर्म्स में, जहाँ भी आप इसको नेक पर भी कर सकते हैं, एंड आप रात को इसको अप्लाई कर लीजिए, और जो एक्स्ट्रा सॉल्ट है आप उसको थोड़ा सा कपड़े से पोंछ दीजिए और ओवरनाइट लगे रहने दीजिए, और अगले मॉर्निंग आप इसको वॉश कर लीजिए, तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा इफेक्ट मिलेगा। तो आप देख सकते हैं मेरे इस हाथ और इस हाथ में डिफरेंस। आप इस और जो लास्ट इसका स्टेप है वो ये है कि आप, मैं यहाँ पर एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ। आप एलोवेरा जेल की जगह जो आपको पसंद है आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई मॉइस्चराइज़र, विटामिन ई, कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक सिंपल सी अपने हैंड पे मसाज करूँगी, एंड दैट्स इट। सी कितना डिफरेंट है, कितना डिफरेंस आ जाता है, और ये बहुत ही ईजी है। आपको कुछ भी मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें ईजिली घर में अवेलेबल हैं। सो इट इज़ अ वेरी ईजी एंड वेरी हेल्पफुल एंड वेरी इफेक्टिव रेमेडी टू लाइटन योर डार्क पार्ट्स, एज आई मेंशन, योर अंडर आर्म्स, योर अंडर थाइज, प्राइवेट एरियाज, नीज, एल्बोज, नेक, कहीं भी आप इसको अप्लाई करिए, और आपको रिजल्ट 100% आपको एक ही रात में देखने को मिलेगा। इनफैक्ट एक ही एप्लीकेशन में आप डिफरेंस देख पाएंगे। सो डू ट्राई दिस ट्रिक, दिस सीक्रेट ट्रिक,
एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ एंड इफ़ यू फाइंड दिस सीक्रेट ट्रिक इफेक्टिव एट ऑल, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस छोटी सी सिंपल सी ट्रिक को जान पाएँ और यूज़ कर पाएँ और अपने यूज़ में ला पाएँ. सो इसी नोट पर मैं अपना वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट वीकेंड. हैव अ ग्रेट डे अहेड. बाय बाय.